हाय फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज ये वीडियो किसी लेक्चर का नहीं है। ये वीडियो है जो अभी एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर AKU पटना से, जो बिहार के हर एक जिले में कॉलेज लगभग शुरू हो चुका है और चूंकि 19 बैच का पढ़ाई भी लगभग चालू स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में कुछ डाउट्स है, क्योंकि सिलेबस पिछले साल चेंज किया गया था और सिलेबस को थोड़ा भास्ट बनाया गया है। ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिलेबस को भास्ट बनाया गया है, तो इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। ये ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये फर्स्ट वीडियो मेरा मतलब बुक के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोगों को बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको BEE के नाम से भी जानते हैं, BEE बोलते हैं कोई लोग। उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और डिजाइन, उसके बाद हमारा होता है मैथमेटिक्स 1, और फिर होता है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारा यही है, ठीक है, ये फिजिक्स है। लेकिन नाम के लिए सिर्फ फिजिक्स है, इसमें 2 सब्जेक्ट है अलग अलग। ये डाउट क्लियर करके चलेंगे कि ये फिजिक्स बस नाम के लिए है, इसमें के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को, मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल। तो यही पार्ट है जो जिसको हार्ड बना दिया गया है। पहले भी M1 था ही, ग्राफिक्स था ही, BEE था ही, लेकिन ये जो फिजिक्स है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए ये तीनों सेम है, लेकिन मैकेनिकल के लिए फिजिक्स अभी भी वही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ, ठीक है। लेकिन सिविल के लिए ये किया गया है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल को डाल दिया गया है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल जो इससे पहले जो सिलेबस था उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ा जाता था 4th सेमेस्टर में, ठीक है, बट आपको 1st सेमेस्टर में ही डाल दिया गया। यानी कि आपको यहीं से ध्यान देना है कि आपको गेट के लिए अभी से ही प्रिपेयर, सिलेबस चेंज करने का मतलब यही है कि आपको गेट के लिए अभी से ही प्रिपेयर कराया जाए। यानी कि देखिए, मैथमेटिक्स 1 भी गेट में, मैकेनिक्स भी गेट में, और सोम भी गेट में। यानी फर्स्ट सेमेस्टर से भी आपको फालतू का चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव चीज पढ़ाया जाएगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, ये नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए बुक्स कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला बात ये कि जो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाली बात होती है वो यहाँ पे होती है कि आप अगर 10 किताबें पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, फॉरेन राइटर, इंडियन राइटर, सब मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ज्यादातर प्रीफर करें कि इंडियन राइटर ही हो, ठीक है, और एक को देखिए, हर बुक्स अच्छी होती है, कोई भी एक बुक पकड़े और उसको पूरा सॉल्व करें, ठीक। तो मैंने कुछ बुक्स का नाम दिया यहाँ पे, BEE के लिए S चांद पब्लिकेशन की, जो कि इंडियन है, ठीक है, S चांद पब्लिकेशन, हम लोग 8-9 S चांद के बारे में जानते हैं, जो S चांद पब्लिकेशन की VK मेहता एंड रोहित मेहता की BEE की बुक आती है, बहुत ही वर्सेटाइल बुक है, मैंने खुद ये इसको देखा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि BEE हमारा कोई ब्रांच पेपर तो है नहीं, तो ब्रांच पेपर नहीं है, तो इसके लिए मेन फोकस हमारा क्लास के नोट्स पे होना चाहिए, ठीक है, क्लास नोट्स पे। जैसे हम लोग जब BEE दिए थे एग्जाम, ठीक है, उसमें हम लोग बुक तो लिए ही थे, नहीं थे, क्लास नोट्स काफी हुआ करता था, ठीक है, और क्लासेस सब जगह चलते ही हैं ठीक से, ठीक है, BEE के लिए। फिर अगर कहीं पे नहीं चलता है तो उसके लिए बुक आप BK मेहता, रोहित मेहता का ले सकते हैं, ठीक। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पास कर जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि और क्योंकि शुरू से ध्यान नहीं देते हम लोग, इसको लाइटली लेते हैं और बाद में जाके दिक्कत हो जाता है, ठीक है, बाद में नौबत यहां तक आ जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का हिम्मत नहीं पड़ता एग्जाम में बच्चों को, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज का। तो आप लोग ग्राफिक्स और डिजाइन पे शुरू से ही ध्यान देंगे, मतलब इस सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको देना है तो सबसे ज्यादा इसको दीजिए, क्योंकि एक तो सिविल इंजीनियरिंग है तो डिजाइन वगैरह आना चाहिए खुद से, और ग्राफिक्स और डिजाइन इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए सबसे वर्सेटाइल बुक है ND Bhatt, ND Bhatt से अच्छी बुक मैंने अभी तक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नहीं देखा है। फिर उसमें थोड़ा सा डिजाइन वाला पार्ट है, तो कंप्यूटर वाला है, CAD का, वो कॉलेज में कराया जाता है, या फिर आप अलग से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैथमेटिक्स 1 M1 के नाम से। देखिए, हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक मैथ्स पढ़ना है, तो M1 M2 M3 करके रहता है, फोर्थ तक पढ़ना है बोले, बट M1 M2 M3 के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक। तो मैथमेटिक्स 1 में थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया गया है, इसमें कैलकुलस का पार्ट डाला गया है और लिनियर अलजेब्रा का पार्ट डाला गया है। तो मैथमेटिक्स 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसके लिए हमको बुक एक ही परचेज करना है,
जो कि है एचके दास, ये भी एस चांद पब्लिकेशन की होता है एचके दास। ज्यादातर आप कॉलेजों में देखेंगे और रिकमेंडेशन भी अगर कोई करता है तो बी एस ग्रेवाल नाम के बुक का करता है, ठीक है। तो बी एस ग्रेवाल की बुक भी काफी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी जैसे कि ट्वेल्थ पास करके आए हैं तो आप लोग को अभी बेसिक से नॉलेज चाहिए, है कि नहीं, बेसिक से नॉलेज, तो आपको एचके दास प्रीफर करना चाहिए। एचके दास में अगर आपका ट्वेल्थ थोड़ा वीक भी है तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बी एस ग्रेवाल सॉल्व करने के लिए आपको आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात यह है कि बी एस ग्रेवाल ने क्या किया है, जो उनके राइटर बी एस ग्रेवाल है वो क्या किए हैं कि जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो उसके बीच के दो तीन स्टेप को उन्होंने हाइड कर दिया है, ठीक है। अब हाइड कर दिया है तो बच्चे ये सोचते हैं कि खराब बुक है, नहीं, बुक अच्छी है, बट उसको हाइड करने के पीछे रीजन ये है कि आप उसको मतलब ढूंढ लें कि अच्छा ये कैसे है यहाँ, तो उसके मतलब एडवांटेज है, ठीक है। बट फिर भी एसके दास ही प्रीफर करें क्योंकि इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा, ठीक है, कोई चीज इसमें हाइड नहीं किया गया और हर चीज हम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डेरिवेशंस भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स का, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का। तो फोर सब्जेक्ट हुआ, 1, 2, 3 और 4 फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में 2 सब्जेक्ट कौन कौन, मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल। देखिए मैकेनिक्स के लिए सबसे पहला बात तो आपको क्लास 11 का थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है, बेसिक पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, थोड़ा सा मतलब बेसिक कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें 2 बुक दिए हैं, एक आर एस खुरमी का और एक एस एस रतन का, ठीक है। एस एस रतन का बुक काफी वर्सेटाइल बुक है, बट अगर आपको थोड़ा बेसिक कमजोर है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आर एस खुरमी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के लिए हजारों बुक है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारा बुक है और काफी अच्छे अच्छे बुक भी है। इसे रतन का भी आता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल, लेकिन मैंने यहाँ पे इंजीनियर आर के राजपूत का बुक रखा है, ये भी क्योंकि एस चांद का है और एस चांद में कलरफुल में एकदम अच्छा से प्रिंट रहता है, ठीक है, और हर चीज मतलब डिटेल में दिया हुआ है, तो आप ये सब बुक प्रीफर कर सकते हैं। थैंक यू।